हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो है इस बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, SJSV का यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सारे प्रोसेस होते हैं, एडमिशन लेने पड़ते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस के लिए एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, एलिजिबिलिटी जानना है, डेट्स देखने होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी वो जानना है, ओके कितना स्कोर कार्ड होता है, सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। चले देखते हैं, किसी भी ब्राउज़र से google.com पर करके वहाँ पर एक्जैक्टली वही टाइप करना जो मैंने टाइप किया। एक्जैक्टली टाइप करने के बाद आपको लास्ट में IAS पेपर टाइप करना है। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है आपके ब्राउज़र में, और ये फर्स्ट वाले लिंक पर एक्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखे थे SJSV एडमिशन 2021 के लिए, यहाँ पर एक्जैक्टली क्लिक करनी है। और आप देख रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म कर बताई गई, डेट, सिलेबिटी पैटर्न, सिलेबस क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ओके सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई गई। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे, रिलीजिंग सून बोलेगी एप्लीकेशन फॉर्म कौन से कोर्सेज के लिए, वेरियस कोर्सेज के लिए, अलग अलग कोर्सेज जो होते हैं आपके सारे कोर्सेज के लिए रिलीज कर दी गई है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो है ये सबसे पहले तो इस फॉर्म को जरूर फिल करना। आपके सामने जो फॉर्म है, फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अपना फुल नेम यहाँ पर टाइप कर लीजिए, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर आप जो है यहाँ पर कौन से स्टेट्स, एग्जाम्पल तौर पर कितना सोच कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आप सिटी क्या, आपकी सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, बस। तो उससे क्या होता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएंगे इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड, तो आप गेट फ्री काउंसलिंग पर जरूर क्लिक कर दीजिए। कहाँ पर क्लिक करना है, गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया, जो भी बच्चे यहाँ पर देखे थे कि SJSV विच स्टैंड फॉर श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय शेट उड़ीसा में है। ये यहाँ पर देख रहे थे कि बीएड एडमिशन टू ड्रॉन करके जनरली अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड से आप कर सकते हैं ओनली, जो बच्चे यहाँ पर पास हो चुके हैं +3 8 MA देख सकते हैं यहाँ पर, और आचार्य और एनी इक्विवेलेंट एक एग्जामिनेशन से, तो यहाँ पर आप एबल रहेंगे गेट डिटेल्स के लिए, और फिर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट का है, ओके, इस लिंक को कॉपी करके ऑफिशियल वेबसाइट पर पेस्ट करके सर्च कर लेंगे तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस चीज़ का। फिर वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, जो आप जानेंगे इस पेज पे भी कि एलिजिबिलिटी का होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, आप सारी चीज़ें, प्लान वगैरह सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। ये सारे कोर्सेज के बारे में यहाँ पर बताई गई है, 1981 में ये इस्टेब्लिश जो है सेट किया गया था, उस वक्त से चल रहा है ये। और ये देख सकते हैं बिहार पूरी उड़ीसा में ये देख सकते हैं, ओके। B+ ग्रेड वाले यूनिवर्सिटी बाय NAAC NAC, और डिफरेंट कोर्सेज यूनिवर्सिटी से डिफरेंस डिपार्टमेंट ऑफ अवन अवेटे अव ओके अवेता वेदंता धर्मशाला, जो धर्म शास्त्र देखते हैं, ज्योति विज्ञान, न्याय, साहित्य, शाल दर्शन, वेदा, उस बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग नाम है, यहाँ पर डिवाइन कोर्सेज देख सकते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई है, जो भी देख सकना चाहते हैं यहाँ पर देख लीजिए। कोर्सेज ऑफर करते हैं आपको, कोर्सेज भी यहाँ पर आप बैचलर्स एजुकेशन और मास्टर आर्ट में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से अप्लाई करने के लिए, उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश का टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में फुल फ्लोम एडमिशन स्टार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं UBS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जेटी कोलकाता यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, महाराजा यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU, आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट में जिसमें भी आपको अप्लाई करना होता है, ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए इवेंट और डेट बताएगी आपको, ठीक है। अवेलेबल कभी एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में होगा, और लास्ट डेट कभी एप्लीकेशन फॉर्म का नवंबर में, और इश्यू अपडेट एडमिट कार्ड का भी रिलीज किया जाएगा नवंबर में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कभी होगा नवंबर में, और ये मेरिट लिस्ट के लिए आपको इस तरीके से बताया गया। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज कर जाती है, जहाँ से आप देख सकते हैं वेरियस कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के लिए विल बी मेड अवेलेबल सून इट्स ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर एडमिशन्स के लिए, जो भी देख रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो अप्लाई कीजिए ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देखे थे लाइक यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप इस एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और आप स्टेप बाय स्टेप फिल करके ऑनलाइन पेमेंट करना है, और
और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ देखते हैं, ईयरली 1 साल का 2 साल का यहाँ पर देख सकते हैं। ट्यूशन फीस भी है, टोटल फीस भी है, और ग्रेड टोटल 20,000 बस। तो बहुत इजी है, मतलब यहाँ पर टोटल फीस देखे थे 20,000। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जैसे 10th आपका एंड 12th आपका पास बोर्ड से एग्जामिनेशन होनी चाहिए। पीजी एंड यूजी कोर्सेज के लिए सेंट्रलाइजेशन बोर्ड बोला गया, और यहाँ पर 50% मार्क्स ये रहता है इन सारे सब्जेक्ट में बोला गया, जो भी ये देख सकते हैं। लिमिटेड एज 20 साल का हुआ रहना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स ये एस सी एस टी ये जो कैटेगरी है ना, येलो कैटेगरी का 45% मार्क्स भी लाते तो अप्लाई कर सकते हैं, और 50% जो जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, जनरल कैटेगरी 50% लाएंगे, और उससे कम जिनको मतलब अवेलेबल है कि SC ST कैटेगरी जो 45% मार्क्स भी लाते तो अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए बोला गया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर रेज कर जाते हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होता है। फिर रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रेज कर जाते हैं, उसे भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना, चेक कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से ही। एडमिशन प्रोसेस होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ये भी देख सकते हैं आप एडमिशन ऑनलाइन मोड से ही। डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब एडमिशन करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर एडमिशन लेने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर चाहिए रहता है देखने के लिए। डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्कोर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, 10th के 12th के मार्कशीट, फिर UGPG कोर्सेज के लिए मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट थे आपको कर रहे होते हैं। कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं, और ऐसे कुछ वीडियो फ्यूचर बनने के लिए शेयर कुछ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।